दोस्तों दुनिया के सबसे भारी जानवरों में से एक जानवर होता है हाथी। यह इतना भारी भरकम होता है कि इसका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। इसकी आवाज से ही आसपास के जानवर दूर भाग जाते हैं। इसे जंगल के सबसे पावरफुल जानवरों में से माना जाता है। हाथी जब भी गुस्से में आता है तो वह जंगल में तबाही मचा देता है। दोस्तों हमें बचपन में बताया जाता है कि अगर एक चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो वह मरने के कगार तक पहुंच जाता है, इसलिए हाथी फूंक फूंक कर कदम बढ़ाता है। यह बात सही है, लेकिन इसके आगे एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अगर हाथी को चींटी, मच्छर या मक्खी काट भर ले तो वह घाव हो सकता है। वैसे तो एक हाथी की चमड़ी लगभग 1 इंच मोटी होती है, लेकिन इसकी त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। यही कारण है कि हाथी अपनी त्वचा को सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए मिट्टी में लोटता है। अफ्रीकी हाथी दुनिया का सबसे बड़ा भूम स्तनपायी नर औसतन है 3 मीटर ऊंचा तथा 6 टन वजन वाला होता है। नर केवल 35 से 40 वर्ष में अपने पूर्ण आकार तक पहुंच जाते हैं। हाथी 60 से 70 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। हाथियों की सूंड में लगभग 1,50,000 मांसपेशियां होती हैं। उनकी सूंड स्तनधारियों में से पाए जाने वाली सबसे संवेदनशील अंग है। हाथी अपनी सूंड का उपयोग पानी पीने के लिए करते हैं। उनकी सूंड में 8 लीटर तक पानी आ सकता है। तैरते समय वे अपनी सूंड का उपयोग क्रॉल करने के लिए करते हैं। हाथी की खाल ज्यादातर जगहों पर 2.5 मीटर मोटी होती है। अगर आपका सामना कभी जंगल में हाथी से हो जाए तो बचाव के लिए कोई उम्मीद ना रहे तो आपको हाथी से बचने के लिए पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही किसी चीज के पीछे छिपना चाहिए, क्योंकि हाथी की सूंड में इतनी ताकत होती है कि वह एक ही झटके में पेड़ को उखाड़ कर फेंक सकता है। सबसे आसान तरीका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शोर मचाना चाहिए और जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, जिससे कि बचने की उम्मीद ज्यादा हो सकती है। आपने हमेशा देखा होगा कि हाथी दिन भर में अपने कान को हिलाता रहता है, क्यों? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए से बाहर छोड़ता है। यह काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती हैं। यही कारण है कि अफ्रीका में हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। दोस्तों रेलवे की शुरुआती में ट्रेन के डिब्बों को ढकेलने, उठाने तथा माल को ढोने के लिए क्रेन की जगह हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। यह बात 1963 की है, जब ट्रेन को खींचने से लेकर माल तक ढोने में हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। एक हाथी पानी की गंध को 5 किलोमीटर की दूरी से सूंघ सकता है, लेकिन आपको बता दें कि हाथी हर मिनट में केवल 2 से 3 बार ही सांस ले सकता है। हाथी की आंखों की रोशनी कम होती है, लिहाजा वे अपनी सूंड का इस्तेमाल इसी प्रकार करते हैं जिस तरह की वह नेत्रहीन व्यक्ति लकड़ी का इस्तेमाल करता है। सूंड के नीचे की ओर फुलाते हैं और हवा जमीन से टकराकर वापस आती है, जिससे कि आगे का रास्ता का अंदाजा लग जाता है। हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है। खास बात यह है कि तेज रोशनी में उन्हें कम दिखाई देता है और कम रोशनी से ज्यादा हाथी की आंखों की पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाती हैं, जिस वजह से वो अपनी आंखों की पुतलियों को हिला नहीं पाता है। पुतलियां आसानी से हिल सकें इसके लिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। यही कारण है कि हाथों की आंखें में से एक तरल पदार्थ सप्लाई होता रहता है, जो ज्यादा होने पर आंखों से बाहर निकल आता है, जिसे हम आंसू समझ बैठते हैं।